गणपति बप्पा मोरिया। आज से गणेश उत्सव का महापर्व शुरू हो गया है। आज गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपने घरों में गणपति जी का विराजमान करते हैं और व्रत रखकर उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है। लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे काम का वर्णन किया गया है जिनको भूलकर भी गणेश चतुर्थी के दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जो भूलकर भी गणेश चतुर्थी पर नहीं करने चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि लहसुन और प्याज, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। लेकिन मान्यताओं के अनुसार अगर आपने घर में गणेश जी की स्थापना की है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी का भोग बनाते हुए लहसुन और प्याज का उपयोग करने से बचना चाहिए और ना ही इन 10 दिनों में लहसुन प्याज का प्रयोग करना चाहिए। तो वही अगर आप इस साल अपने घर गणपति जी की स्थापना करना चाहते हैं तो नई मूर्ति ही खरीद कर लाएं। अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति है तो उसे विसर्जित कर दें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में गणेश जी की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन जहां आप बप्पा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो वहां गणेश जी की मूर्ति आसपास अंधेरा नहीं होना चाहिए। और ये भी बता दें कि अंधेरे में भगवान गणेश जी के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। बता दें कि वहां अच्छे से लाइट की व्यवस्था हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। गणेश चतुर्थी की पूजा और व्रत हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करना चाहिए। इस पावन तिथि पर ना तो किसी के लिए मन में बुरे ख्याल लाएं और ना ही किसी से झूठ बोले। इस दिन किसी के प्रति गुस्सा या फिर गुस्से में आकर अपशब्द नहीं कहने चाहिए। गणेश चतुर्थी के व्रत करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और व्रत वाले दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो इससे आपके जीवन में कलंक लग जाता है। इसके अलावा गणेश जी की पूजा में हमेशा उनकी मनपसंद चीजों का भोग लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि भोग में फूल कर भी तुलसी का पत्ता प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्ता गणेश जी की पूजा में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसके चलते बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन और अगले 10 दिनों तक भूल कर भी उनकी सवारी माने जाने वाले चूहे को ना सताएं और ना ही उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। अब आपको बता दें कि गणपति के लिए व्रत रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ सात्विक फलहार करना चाहिए और इस दिन भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी गणेश चतुर्थी बप्पा घर ला रहे हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं तो भूल कर भी इस दिन ये गलतियां ना करें। कुंडली टीवी टेक से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।